It deals with those documents which though are being attached, are being added, are being exhibited, are being elected, whatever the case may be, but no court fee is charged against those documents. वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनके जो मुस्तस्ना है, जिनके साथ कोर्ट की नहीं लगती। अब इसमें अल्फाज देखें, टेस्ट देखें, लॉगिवर का क्या कहें, नथिंग अल्फाज लिखिए, नथिंग नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट shall render the following documents chargeable with any fee. कोई भी चीज जो है जो इस लॉ में मौजूद है नहीं पाबंद करेगी किसी भी डॉक्यूमेंट को कि उसके साथ कोर्ट फी लगा। दीज डॉक्यूमेंट्स आर exclusively meaning thereby emphatically enthusiastically mean even affectionately yani ye jo documents hain in pe zor diya gaya ki inke sath koi zarurat nahi hai court fee lagane ki aur is kanoon ke तहत koi bhi lafz jo hai in documents ko paband kare ताकि इनके कोई चार्ज करेगी। अब कौन से डॉक्यूमेंट हैं? नंबर वन, पावर ऑफ अटॉर्नी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और प्राइवेट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, नॉट इन ऑफिसर ऑफ प्राइवेट, क्या लिखा आगे, नॉट इन सिविल एम्प्लॉयमेंट, यानी वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो कोई ऑफिसर जो इन अथॉरिटीज ने एग्जीक्यूट किया, साइन किए, वो कौन कौन से हैं? एन ऑफिसर, ऑफिसर दर आप तारीख जाएंगे, व्हाट इज मेंट बाय एन ऑफिसर, जिस डिफाइन में कर भी चुका हूँ, पब्लिक ऑफिसर, सिविल ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, प्राइवेट ऑफिसर, डिफरेंट हियर ऑफिसर मींस, हियर ऑफिसर मींस द गवर्नमेंट ऑफिसर एज डिफाइंड and explained in Civil Servant Act 1975. उसके बाद वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर कौन है? मजिस्ट्रेट हो सकते हैं सर। The person, the officer who has the authority to issue a warrant, warrant might be a arrest. और कंपेयर अपीयरेंस, वारंट की कितनी किस्में हैं? तीन, तीन टाइप्स। चलो सर, वारंट परपेचुअल वारंट एक होता है सर, और एक होते टेम्परेरी वारंट होते हैं, ये तो पढ़ा है किस लॉ में है वारंट सर? क्रिमिनल सीआरपीसी के टेक्स्ट सर। सर अगर हो सकते हैं सर, एक तो ये होता है कोई वारंट इशू कर लिया तो उसके बाद वो रिवोक भी कर सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय वारंट? वारंट सर अथॉरिटी सर, ये अथॉरिटी इज मेंट बाय वारंट, पावर सर, पावर सर, पावर सर, अथॉरिटी पावर सर। वारंट, वारंट इज एन ऑर्डर, वारंट इज एन ऑर्डर for the arrest of a person. Warrant is an order for the arrest of a person. It gives
हॉस्पिटल को बुलाने के लिए भेजते जब वो नहीं आ रहा तो एक मूड एक्यूज बन जाता है नॉट ओबेइंग द ऑर्डर ब्रांच ऑफिसर अब ब्रांच की कितनी किस्में हैं दो एक बेलेबल ब्रांच और दूसरा नॉन बेलेबल अब वो बेलेबल ब्रांच जारी कर रहा हो या नॉन बेलेबल ब्रांच जारी कर रहा हो ऑफिसर वो है नॉन कमीशन ऑफिसर नॉन कमीशन ऑफिसर आर प्राइवेट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी नॉट इन सिविल एम्प्लॉय सिविल एम्प्लॉय में बंदा नहीं होना चाहिए नॉन कमीशन ऑफिसर है या प्राइवेट है पाक आर्मी का जो बंदा अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है क्या पावर ऑफ अटॉर्नी तो उस पर कोर्ट भी नहीं लगेगी फिर रिटन स्टेटमेंट सर अवेलेबल वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट क्या सर बेलेबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस जहाँ मैं समझता हूँ कि मुझे ज़रूरत है सर मैंने आज सुना था सर मैंने इस तरह सुना था सर एक टेम्परेरी होता है एक परपेचुअल होता है लेकिन बेलेबल और नॉन बेलेबल वाला आज सुना लेकिन आप ये कहते हैं कौन सा परपेचुअल होता टेम्परेरी सर एक तो रिवोक हो सकती है ना सर एक तो ये हो सकती है कि उसको एक्सटेंशन देते रहते सर वो वही जंक्शन हुआ वो वारंट नहीं हुआ नो सर सीआरपीसी में है सर सीआरपीसी में यस सर ये टॉपर है एक शिफ्ट है सर उसके मुताबिक देते सर अमजद साहब ने तो यही पढ़ाया था आगे चलते हैं रिटन स्टेटमेंट्स कॉल्ड आफ्टर द फर्स्ट शेयरिंग ऑफ अ सूट रिटन स्टेटमेंट मीन जवाब दावा अब जवाब दावा क्या है जो डिपेंडेंट फेस करता है व्हिच इज बीइंग प्लीडिंग which is being presented in rebuttal of the claim of the plaintiff. Yes. A written statement, कौन सा written statement? हर कोई नहीं. First hearing. Only that's are the written statement which is called for by the court after the first hearing of the plaintiff. जो court तलब करती है पहली ही hearing पे किससे? Defendants. अगर कोर्ट तलब नहीं कार्य करती है प्रोसेस में उसने देना होता है रिटन स्टेटमेंट ये आप ध्यान में रखें कि एवरी एंड एनी सॉर्ट ऑफ रिटन स्टेटमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यस सर किसी रिटन स्टेटमेंट में क्या है कोर्ट भी नहीं करती फिर प्रोबेट ऑफ अ बिल ये क्या है ये कौन सा होता है उसकी तस्दीक करना सर ये क्या कहते हैं विल की तस्दीक करना वसीयतनामे की तस्दीक सर प्रोबेट ऑफ जब रजिस्टर्ड करवाया जाता है प्रोबेट किसको कहते हैं तस्दीक करवाना तस्दीक करना किसको विल को वसीयतनामे को सर यहां पे तो ये कौन तस्दीक करता है ये सर सिविल कोर्ट अभी आप अदालत में जा रहे हैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर नोटरी पब्लिक विल की तस्दीक कौन करता है प्रोबेट प्रोबेटरी सर्टिफिकेट इज इशूड विद रिगार्ड टू अ विल प्रिपेयर्ड साइंड बाय पटवारी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जज विल कौन करता है विल की क्या मानते हैं वसीयत वसीयत सर वसीयत तो उसको तस्दीक कौन करता है जज करता है मरने के बाद होता है ना यस सर पहले होता है बाद में डॉक्यूमेंट सर एग्जीक्यूशन के बाद में हो सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट सर पहले डिस्ट्रिक्ट जज से तस्दीक नहीं करवाएंगे वो उसके हम नहीं यहां पे प्रोबेशन जो है ये प्रोबेट का बिल जो है ये मरने के बाद होगा पहले पहले होगा बाद होगा सर
सर उसका एग्जीक्यूशन बाद में होगा, पहले होगा सर, पहले होगा, जब जरूरत पड़ेगी तभी कराएंगे ना सर। सर ये भी होगी मेरे को पहले नहीं आ आप जो खुद मौजूद है, जब बंदा मरता है ना, मर जाता है, तब उसकी वैल्यू सामने। नो सर, लेकिन तस्दीक कैसे करवाएंगे सर? बंदा तो मर गया सर, उसका शादी होती है ना, बंदी की शहादत मौजूद है, उसकी पड़ी हुई है, उसकी क्या हैसियत है? जब उसको आपने एग्जीक्यूट करना है आफ्टर दी डेथ ऑफ अ पर्सन, फिर आप कोर्ट में जाएंगे, आप वहां से प्रोबेट सर्टिफिकेट लेंगे विद रिगार्ड टू दैट सर्टा विल इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड एज पर लॉ। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या है? मेमोरेंडम जो होते हैं सर। ये आप पता है मुझे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है सर? जो एडमिनिस्ट्रेशन लफ्ज आ गया, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, फुल कानून को दिखाने, अब बोलते हैं ना वो बिल का लॉ वाज प्रोबे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। अब ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये तो किस किस्म का लेटर हो सकता है और किस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? सर ये किसी भी डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं सर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इसी बिल को आगे ले चलें। बिल की शक्ल में बिल को एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट जो है या कोई भी अथॉरिटी जिसको इख्तियार दिया गया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर जारी करती है कि इसको इस तरह आपने एडमिनिस्टर करना है। सही बात, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक ये है। और क्या सर? ये भी हो सकता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत भी आप एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी के हवाले से। और क्या हो सकता है? केसेस ज्यादा हो सर, और वो शिफ्ट कराने के लिए जो लेटर वगैरह भेजे सर किसी और कोर्ट में, वो नहीं हो सकता सर? ये कह रहा है कि प्रोबेट ऑफ बिल, सर बिल वाला, बिल के हवाले से, बिल वाले की जरिए जितना एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब वही ना वो वही गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी होता है। गार्डियन बोर्ड जारी करती है किसी भी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के, माइनर्स की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए, इसी तरह प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी होता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुर्की के लिए, सेल के लिए, एनी सॉर्ट ऑफ लेटर इशूड बाय एनी अथॉरिटी, वो जब आप कोर्ट के साथ लगाएंगे दावे के साथ जो मुख्तलिफ किस्म के दावे हैं उनके कोर्ट की चार्ज नहीं। एंड सेव एज रिगार्ड्स डेट्स एंड सिक्योरिटीज, ये क्या डेट्स एंड सिक्योरिटी? तो ये सर ये जो डेट्स होगा ना, किधर जाएंगे? बिजनेस लॉ में जाएंगे ना? यस सर। बिजनेस लॉ में किस लॉ में पढ़ा आपने? गवर्नमेंट लॉ में। और वहां क्या तारीफ पड़ी डेट्स की और क्या लॉ के मतलब होता है ना, लॉ के मुताबिक होता है। अभी आप मैदान में जा रहे हैं, डेट सर, डेट किसको कहते हैं? डेट सर सर वो है सिक्योरिटी जमानत के लिए डेट का, ये तो एक 70 साल का अनपढ़ बंदा है ना, वो भी कह देगा यार डेट सर इसको कहते हैं सिक्योरिटी का। आप लॉ लॉ नहीं तो लास्ट लास्ट स्टूडेंट है सर, लॉ की रोशनी में तारीफ करें, बट इज मेंट बाय डेट जट मेरे लिए फाइनल से देखिए नहीं वो तो इन साल में टापर बताओ देखे ना इतने से आ रहा है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कहाँ से जा रहा है लेटर ऑफ डेट्स लेटर ऑफ
सिक्योरिटी दरमियान में निकाल दे अल्फाज कि उसके साथ जा रही है वो भी लेटर्स हैं डेट्स किसको कहते हैं लेटर्स ऑफ डेट्स लेटर्स ऑफ सिक्योरिटी लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेव एज रिगार्ड डेट्स ये हैं क्या A certificate under regulation 8 of 1827. ये हम आपको पढ़ने जाके ठीक है कि डेट क्या है बात उतर कर कंपनीज ऑर्डिनेंस पे जाएं वहां डेट्स और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पढ़े क्या है कंपनी ऑर्डिनेंस पढ़ा यस सर सर ये सिंध रेगुलेशन सिंध रेगुलेशन की अब ये आ गया ना ये तो चौथा पांचवा ये दूसरा सर्टिफिकेट है ये अलग डॉक्यूमेंट है प्रोबेटा बिल एक डॉक्यूमेंट हुई इस क्लास के तहत लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ डेट्स तीसरी डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ सिक्योरिटीज चौथी डॉक्यूमेंट अ सर्टिफिकेट अंडर सिंध रेगुलेशन पांचवी डॉक्यूमेंट अब उसकी सिंध रेगुलेशन छोड़े अब वहां देख लेंगे इसके तहत कौन सा होता है फिर दी अमाउंट और वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ दी प्रोबेट और लेटर और सर्टिफिकेट शैल बी ग्रांटेड बुक डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीस अगर 1000 से ज्यादा कीमत ना बनती हो किन डॉक्यूमेंट्स की वो डॉक्यूमेंट्स जो किससे मुतलक हैं प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी वैल्यू अमाउंट Here the amount or value of the property, ये के ऊपर हमने पूरे probate वाला भी, letters वाला भी, certificates वाला भी अगर उनकी कीमत 1000 से ज़्यादा ना, तो फिर क्या होगा? Court भी नहीं। सर लेकिन यहाँ पे exception के class भी तो डाला हुआ है ना सर? Exception कहाँ से? सर ये save as regards जब आया तो वो इनके लगेगी ना सर? इन दो को निकाल दिया ना डेट और सिक्योरिटीज को उन पे लगेंगे मतलब दोबारा आ गई आराम से कंफ्यूज ना हो हम पढ़ रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट जो एग्जेम्प्ट है ऊपर से आए नीचे प्रोबेट ऑफ बिल एग्जेम्प्ट हो गई एग्जेम्प्ट हो गई लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट हो गई एंड सेड ठीक है कॉमा लगा हुआ है देखिए ना रोको मत जाने दो ये कॉमा इधर लगाओ रोको मत जाने दो या इधर लगाओ इसका फर्क पड़ता है ना पड़ता है सर अब कंफ्यूजन भी तो नहीं ना पड़ा सकता पड़ता है सर सिक्स सेवन का आपने पढ़ी होगी ना ग्रामर पढ़ी है तो ये कामा क्यों लगता है बाद में क्यों लगता है कोई और बात नहीं लेकिन ना कामा मुझे पता है ना कामा क्यों लगता है सर दासी की बात की वहां पे रोक के सर सेपरेशन वाली बात है उसके बाद फिर दोबारा नीचे बात को शुरू कर अब जहां से जहां तक रुक रहा है उसको साइड पे करके मिलाएं पहले को प्रोबेट ऑफ अ बिल है ना सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ सर्टिफिकेट सेव एज रिगार्ड डेट्स एंड सिक्योरिटीज इनको निकाल के अ सर्टिफिकेट एंड अ सर्टिफिकेट अंडर सुन लो भाई रेगुलेशन इन रेगुलेशन है वेयर द अमाउंट ऑफ उसी तसल्सल में आ रहा है वेयर द अमाउंट अब समझेंगे अब तो समझ गए होंगे यही बात अब समझ गए अब समझ नहीं समझे हाँ तो ये लेटर डेट और सिक्योरिटीज के साथ नहीं आएंगे सर सेल एज उन पे लगेगा तो इनको साइड में कर उन पे लगेगा इन पे लगेगा अच्छा नंबर कौन सी क्लास है नाइन एप्लीकेशन और पिटीशन टू अ कलेक्टर और अदर ऑफिसर सॉरी सर सर ये ऊपर उसमें 1000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए तो वो अगर 1000 से एक्सीड करके फिर तो लगेगा ना अगर नहीं जाए तो फिर लगेगा नहीं लगेगा वो विल 1000 से ज़्यादा ना हो सर
वही ना बिल की भी बात है ना, तो बेटा बिल की बात है, नेक्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात है, और आगे कोई भी सर्टिफिकेट है उनकी कीमत अगर 1000 से कम है, हजार से कम है तो फिर नहीं लगेगी, ज्यादा है तो लगेगी। सर जिस तरह ये दो मिसाइल बनाने ले जाते हैं उस पर लगते हैं स्कूल लगेगी, वो तो इसमें नहीं है सर, वो भी इसी तरह लेटर्स वगैरह में शामिल होते हैं या उनको अलग, वो इसमें नहीं आता सर्टिफिकेट है ना, अंडर सर्टिफिकेट को अंडर सिन रेगुलेशन के, यस सर, बाकी वो किसी बाकी का नहीं। आगे एप्लीकेशन और पिटीशन, एप्लीकेशन कौन सी, पिटीशन थ्रू अ कलेक्टर, कलेक्टर आ जाना चाहिए ध्यान में आपके, यस सर, डिप्टी कमिश्नर क्यों, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट का कलेक्टर है ना, कलेक्टर है सर, कलेक्टर है सर, वो डिप्टी कमिश्नर तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है सर, वो एडमिनिस्ट्रेशन का, और लैंड लॉ के तहत तो ऑफिसर को लेना लॉ, बिल्कुल, किस लॉ के तहत किस ऑफिसर को क्या नाम दिया गया, सही बात, ठीक है सर, डिप्टी कमिश्नर भी कलेक्टर हो सकता है सर, वही होता है, तहसीलदार भी कलेक्टर होता है, तहसीलदार को भी बाद का कलेक्टर के इख्तियार दे दिए जाए, कलेक्टर और अब कलेक्टर कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू, कलेक्टर इसलिए क्योंकि क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, इसको कलेक्टर या लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत कलेक्टर होता है जो मुआवजा हासिल करता है, और अदर ऑफिसर मेकिंग अ सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू पता है, यस सर, ये तो बता चुका हूं, जमीनों का सेटलमेंट करना सर, बारानी इलाके जंगल सर, मुख्तलिफ जो जिनकी कैपेसिटी अलग है सर जमीनों की, या मुख्तलिफ किस्म सर, कई बारानी हो सकते हैं सर, कोई पहाड़ी हो सकते हैं सर, इनको अलग अलग तरह से सेटल करना सर, यही है सर, और तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू related to matters connected with the assessment of land or the ascertainment of rights thereto or interests therein if presented previous to the final confirmation of such letter. तो उसने सोच सर सही तरह अगर नहीं लिखेगा, ये मैंने आपको शुरू में कहा था ये मैथमेटिक्स के सवाल हैं, एक भी लाइन गलत है पूरा सवाल फाड़ दिया जाएगा, समझ के लिखेंगे तो बात मिलेगी, समझ के नहीं लिखेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो क्या है कौन सी एप्लीकेशन सर, फाइनल सेटलमेंट से पहले जो एप्लीकेशन थी वो सर, एप्लीकेशन और पिटीशन में क्या फर्क है, पिटीशन और एप्लीकेशन में सर, हाँ पिटीशन कोर्ट में दायर हो सकती है सर जी, पिटीशन और एप्लीकेशन को बता सकते हैं क्या फर्क है सर, पिटीशन किसी कोर्ट में दायर हो सकता है सर, और जो आपने ठेका उठाया पूरी क्लास का आप चुप रहना मत सर, पिटीशन में सर कुछ में किसी दो बंदों के लग में झगड़ा होता सर, दरखास्त में कोई काम कराने को कहते हैं सर, लेकिन आप जान सकते हैं नस्ल की तो नहीं कर रहे हैं, ये अभी पता नहीं है सर, सच में नहीं पता, सच सर नहीं पता, सारे सो रहे हैं सर, असल में अभी पता चले पिटीशन और एप्लीकेशन में क्या फर्क है, पिटीशन और एप्लीकेशन सर, पिटीशन तो एप्लीकेशन आप पिटीशन को पिटीशन आप जब पिटीशन हो तो एप्लीकेशन लिखते हैं जी, एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो सबसे पहले आप मूव करते हैं, और जब भी आप पिटीशन वो होती है जो आपने डिफेंड में करना, वाह और पेटिशन है दरख्वास्त सर, मॉर्फोलॉजी का भी तो हमारा स्ट्रक्चर सर,
बेटी पिटीशन है ना पिटी छोटा सा पिटी मींस स्मॉल सैम ये ना हां अपील करना पिट से पिटीशन पिटी मींस रहम करना पिटीशन मींस रेनिकेशन यानी रहम की प्रेयर 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 इक्विटी कोर्ट्स में जो पिटीशन कर रहा था कोर्ट्स जज से प्रेयर हां इक्विटी कोर्ट्स प्रेयर और दूसरा एप्लीकेशन अप्लाई से है एप्लीकेशन रहम को अप्लाई करना ठीक है रहम के लिए अप्लाई करना अब यहाँ आप पिटीशन में क्या करते हैं दादरसी मांग रहे होते हैं आप प्रेयर कर रहे होते हैं कि मुझे ये दो मांग रहे होते हैं दुआ कर रहे होते हैं या इल्तिजा कर रहे होते हैं मुझे दो और एप्लीकेशन में क्या कर रहे होते हैं आप अप्लाई कर रहे हैं एवरी एप्लीकेशन इज अ पिटीशन बट एवरी पिटीशन इज नॉट एन एप्लीकेशन एवरी एप्लीकेशन इज अ पिटीशन बट एवरी पिटीशन इज नॉट एन एप्लीकेशन अब ये हैं ये कर रहे हैं किसी कलेक्टर को कर रहे हैं या किसी भी दूसरे ऑफिसर को जो रेवेन्यू के सेटलमेंट के लिए काम कर रहा है आर टू अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आप एप्लीकेशन दे रहे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पता है क्या यस सर क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सुपरवाइज करते हैं सर तमाम जो जो भी रेवेन्यूज के रेवेन्यू ऑफिसर है सर उसकी सुपरविजन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हेड सुप्रीम रेवेन्यू बोर्ड इज द मेरी प्रोविंशियल एडजुडिकेटिंग पार्टी ऑफ द रेवेन्यू अथॉरिटी क्रिएटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय जो भी और कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू ठीक रिलेटिंग टू मैटर्स किससे मुतल्लिक connected with the assessment of land or the attainment of rights thereto assessment of land ab assessment of revenue to likha sir land ki assessment hoti hai ya revenue ki assessment land ki assessment land ki assessment ki sir kaise revenue collect kiya jata hai sir assessment par sirka mein hoti hai sir revenue jama रेवेन्यू को असेस किया जाता है ना लैंड को भी असेस सर लैंड में देखा जाता है कि वहां से क्या और लैंड करेंगे सर ये इसकी वकूफ को कन्फाइन करने के लिए असेस किया जाता है सर कि किसी ऑल द असर्टेनमेंट ऑफ राइट्स देयर टू और इंटरेस्ट देयर इन इफ प्रेजेंटेड प्रीवियस टू द फाइनल कंफर्मेशन ऑफ सच सेटलमेंट यस सर क्या नाउ इसे आगे बताएं इफ presented अगर पेश की गई कब फाइनल कंफर्मेशन से फाइनल कंफर्मेशन ऑफ सच सेटलमेंट सेटलमेंट की फाइनल कंफर्मेशन होने से पहले पहले इन पे क्या होगा वो नहीं लगेगी सर आगे एप्लीकेशन रिलेटेड टू सप्लाई और इरिगेशन ऑफ वाटर प्लेन टू गवर्नमेंट तो मुश्किल तो नहीं है ना एप्लीकेशन फॉर लीव टू एक्सटेंड कल्टीवेशन or to relinquish land when presented to an officer of land revenue by a person holding under direct engagement with government land of which the revenue is settled but not permanently the application for service and ye sir ye apni apni land pe cultivation ke liye jab ke liye karna hai ye jo एप्लीकेशन फॉर लीव टू एक्सटेंड कल्टीवेशन तो ये अपनी ही जमीन के ऊपर काश्तकारी के लिए एप्लीकेशन नहीं करते कोई इजाजत देते कोई भी एप्लीकेशन आप दूसरा दे कुछ किससे निकल पाओ सर जिस बंदे को खतौनी नंबर मिला हुआ वही अप्लाई कर सकते हैं सर वो भी कोई भी कर सकते अच्छा अच्छा पर्पस ये फिर एप्लीकेशन फॉर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड और अनाउंसमेंट ऑफ लैंड रिटन अथॉरिटी टू एन एजेंट टू ठीक है सब्जेक्ट को जुड़ाना सर ठीक है फर्स्ट एप्लीकेशन अदर देन द पिटीशन कंटेनिंग अ क्रिमिनल चार्ज और इंफॉर्मेशन फॉर समन्स ऑफ अ विटनेस और अदर पर्सन टू अटेंड आइदर टू गिव एविडेंस
or to produce a document or in respect of the protection or filing of or an exhibit not being an exhibit made for the immediate purpose of being produced in court. Kya hai ye 14 wala padhe dobara samjhe for application kaun si application hai other than the petition containing a criminal charge or information inko nikal de criminal to aise hi exempted hai for application for the summons of a witness theek hai other person to attend either to give evidence and application of dete na wo unke tarbiyat ke liye yes sir ye to karne ke liye ko shahadat de wagaira wagaira wo bhi bail bonds in criminal cases given recognizance to prosecute or give evidence and recognizances for personal appearances or otherwise ye kya hai sir jo saman wagaira bail bonds dete wo jab jail hai to usko bail bonds kya security deta hai agar mere surety ka bond hai सेक्शन 76 के मुताबिक जो मजिस्ट्रेट है सर वो वारंट भेज सकते हैं सर उसके साथ साथ वो नो सर अगर वो वारंट जब भेजते हैं तो सर उसके लिए कहते हैं क्या वो श्योरिटी लेना चाहते हैं तो उसको बॉन्ड पे रिहा कर दीजिए और उसको मतलब ये तय कर वो ये तय करेगा कि सर जब रिक्वायर्ड होगा कोर्ट को तो वो वहाँ पे हाजिर होगा बेल जो है बेल बेसिकली है एन ऑर्डर ऑफ रिलीज अब बेल बॉन्ड इज अ डॉक्यूमेंट which is furnished by the accused acha before the court as a warranty aur ye bail ye bhi mutual kismon ki hai ek hai personal bond bail bond aur dusra hai sir personal 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 security hai na ek bail bonds wo to aapne jama kara diya hai do kism ke kaun kaun se personal personal bond aur surety bond surety bond ek personal bond deta hai machalke jinko urdu mein kehte hain zati zati machalke personal bond personal securities he assured the court that I will be present in the court or any other authority for the investigation of the case aur dusra surety bond koi uski taraf se zamanat deta hai yahan wo personal wala bond nahi hai yahan bail bond hai jo dusri ki taraf se surety bond surety de raha hai bail bond in criminal cases ab recognizance to prosecute विदाउट वारंट नहीं पकड़ सकते सर दोबारा कैसे उसको काबू करना पकड़ना किसको एक्यूज्ड प्रोसिक्यूट किया जाए और गिव एविडेंस एंड रिकॉग्निजेंस फॉर पर्सनल अपीयरेंस और अदरवाइज ठीक है कोई मुश्किल तो नहीं इसमें पिटीशन बाय अ प्रिजनर अदर पर्सन इन ड्यूरेस और अंडर द स्टैंड ऑफ एनी कोर्ट और इट्स ऑफिसर फिर कंप्लेंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 23 सर म्युनिसिपल ऑफिसर
or an officer or servant of a railway company, if complaint, देखा ना ये prisoner था petition लगाया, वरना ये कैसे होता है ना application by a prisoner. पिटिशन और एप्लीकेशन में फर्क समझना है इन इन्हीं अल्फाज में. फिर एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कट टिम्बर इन गवर्नमेंट फॉरेस्ट और अदरवाइज रेडी टू साइज फॉरेस्ट. फिर एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय गवर्नमेंट टू द एप्लीकेंट. पिटिशन ऑफ अपील अगेंस्ट एनी म्युनिसिपल टैक्स. The application for compensation under any law for the time being enforced related to acquisition of property for public purposes. पढ़ा तो land acquisition है. Yes, yes. नहीं पढ़े सर अभी. लेकिन वो general idea है सर constitution में. तो यही जो line है ना ये सारा उसको cover कर रहा है. सही बात. सेक्शन 23.2 पिटीशन अंडर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट वगैरह कोई भी. ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्रिश्चियन पे पैसे क्यों नहीं देते सर? होते हैं बाद में नहीं. तो इसके परवाजे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये एग्जेम्प्ट हैं किस से? कोर्ट फीस. कोर्ट फीस से. फिर तो सप्लेन के मजे हैं सर. ये पढ़ेगा सर आप लोग कोर्ट और भी चार्ज होता है और एक ट्रिप पे होती है तो उन लोग के पे रकम की जरूरत डॉक्यूमेंट्स होता है और रकम पे हमेशा प्लेस.